मस्जिद दो प्लाटों में है, इनकी जो नजर है बाजू के दो प्लाटों पे है, जो एक करोड़ की प्रॉपर्टी है फिलहाल। वो सबूत पेश करना जो बता रहे हैं खयाम पंजा साहब, जो जो भी है प्रॉपर्टी के जो पेपर जो लिए हैं, जबरदस्ती भी दस्तखत लिए। हमारे महल्ले की मस्जिद में बाहर वालों के आने की इजाजत नहीं है। मस्जिद की कमेटी मस्जिद के महल्ले वाले लोग बनाएंगे। दो महीने से कंटिन्यू जो है ना औकाफ के जो है ना चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसका हमारे सलूशन नहीं दिया जा रहा है कि खयाम पंजा फलां फलां जो भी हैं उनको भी पार्टी बना के और वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बना के हम जो है ना इसकी लड़ाई जो है ना कानूनी तौर पर लड़ेंगे। 16 मई 2023 को खयाम पंजा और उनके भाई जो है ना फारूक पंजा जो है चंद सफीरों को जो ना मार रहे थे, उसमें इसाक पठान जो है मैं फ़ोन कर बोले मुलसा हमारे को मार रहे लोग, हाँ जरा पाके समझाओ। बोले मैं वहाँ गया तो जो है ना क्या है, हमारे वहाँ पे भतीजे थे निज़ामुद्दीन बादी, उनके मामू थे अब्दुल सलीम, उनका और एक छोटा भाई था जो है ना अब्दुल सलीम बादी। ये तीनों बोले अरे मुलसा तुम्हारे ऊपर जो है ना FIR होने वाला है, 1 करोड़ रुपये का तुम गबन करें मस्जिद जिंदे में। अरे बोला कैसा करें, नहीं नहीं FIR पूरे खानदान में होने वाला है। फिर अंदर ले गया तो मेरा मोबाइल निकाल लिए, अब एक खयाम पंजा था फारूक पंजा था, बोले तुम जो है ना इतना गबन करें तुम्हारे मस्जिद के डॉक्यूमेंट दो हम चलाते हैं। तुम्हारे निज़ामुद्दीन बादी जो है ना ज़बरदस्ती करके हुसैन रजवी एक तहरीर लिखा, ज़बरदस्ती में दस्तखत लिए। उसके बाद हमारे घर आके अब्दुल सलीम बहादुर ये जो है ना निज़ाम बादी का जो है ना मामू है, ये दोनों आके हमारे घर से मस्जिद के और जो है ना मदरसे की जगह के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके गए, और निज़ामुद्दीन ये बादी ये बोले मेरे को ये डॉक्यूमेंट कहीं जाते हमारे पास आते फिक्र मत करो। और ये जो फारूक का पंजा है अंदर जो है ना बुला के मेरे को बोलता है तुम बच गए समझो, वरना हम 6 लोगों को ऐसा जिंदा चीरें। खुद बोल रहा वो हुसैन रजवी वहाँ था, वो निज़ामुद्दीन था, वादी सब थे, 6 लोगों को हम जो है ना ऐसा जो है ना खड़ी चीरे स्वयं। हमको मामले नहीं समझना कि हुसैन रजवी जो है ना इस पर जो है ना क्रिमिनल है, जेल जाके वापस आया ऐसा है उन लिखा। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने के बाद दूसरे दिन हमारे भतीजे जो मुतवली दरगाह मिनाजुद्दीन अंसारी उनके घर को बोला मेरे को, हमारे बड़े जो है ना भतीजे बोले वो तुम्हारे जो भी हैं जो इसके यानी ट्रस्ट के जो है ना जो डॉक ट्रस्ट के जो भी क्या है रसीद पे नहीं रसीद बुका है वो है, और जो है ना तुम्हारा लेटर पैड ला के दो और लेटर पैड को दस्तखत करो क्योंकि जॉइंट अकाउंट को कैंसिल करना है। उसके बाद बोले तुम दूसरा मदरसा चला रहे ना अलग नाम से लो, और बोले तुम्हारे पास गबन है पूरे लोगों मशहूर करे कि जो है ना 1 करोड़ रुपये मौलाना खाए। मैं बोला भाई साबित करो क्या है, CA का जो चार्ट है वो मदरसे के बारे में है, मदरसा जो हम चलाते हैं 22 साल से उसका सालाना खर्च 12 लाख है कहीं 8 लाख है कहीं 10 लाख है, उसको बुनियाद बना के सब लोगों में क्या जो है ना उन्होंने बावर करे पुरबंडा करे कि मौलाना 1 करोड़ रुपये। और आज तक किसी में हिम्मत जरूरत नहीं हुई कि मेरे को आगे नहीं पूछे, चाहे उलमा हो दुनिया के कोई भी आदमी हो किसी जमात का सरबरा हो ना फ़ोन करके पूछा, खाली पुरबंडा का शिकार हो गए ना। वक्फ ऑफिसर जो है ना पूछा उसको आके में बताया अरे नहीं तुम्हारा जो है ना जॉइंट जो अकाउंट था वो अकाउंट में तुम कन्वर्ट करके उसमें पैसे जमा करें। तो बोला क्या है सबूत पेश करो भाई, तुमको बोलना है तो आज तक सबूत नहीं पेश करे, और आज तक कोई आदमी में हिम्मत नहीं हुई मुझे पूछने की कि मौलाना तुम जो है ना 1 करोड़ रुपये खाए थे बताओ। बल्कि आज मैं बोल रहा हूँ अगर मस्जिद के पैसे में अगर खाया हूँ तो ला के जो है ना बताना मस्जिद के अंदर, वो सबूत पेश करना, वाकई तुम जो है ना सही औलाद है तो जो है ना सबूत पेश करना। खाली पीछे पीछे पुरुंडा कर रहे हैं या कि MLA को जो है ना गुमराह करे या वफ ऑफिसर गुमराह करे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं सबको गुमराह कर रहे हैं। और मैं अल्लाह ताला की जो है ना कुछ की जमानत में उसकी जो है ना हाजिर जानकर बोल रहा हूँ, बचपन से मेरी ज़िंदगी पूरी जो है साफ शफाफ है, कोई जो है ना इसके अंदर वो नहीं। मैं 16 साल की उम्र से इमामत करा और मस्जिद किले रवा में 40 साल तक खिताबत करा मैं, और हमारे वाली साहब 70 साल वहाँ पे इमामत करे, और गुलबर्गा में बेहिसाब शागिर्द हैं, टिपू सुल्तान कॉलेज में अरबी लेक्चरर था मैं 20 साल तक। कहीं भी हमारे जो है ना आखिर यानी हमारे जो किरदार है कैरेक्टर में कोई धब्बा नहीं है, आज भी उनके पास अगर हिम्मत है वो मस्जिद अनवार आकर अपना हमारे जो है ना क्या जो है ना गलतियाँ हैं और हम क्या खे पैसे साबित करो बोलो, फिर इंशाल्लाह महल्ले वाले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जैसा कि हमारे मुदस्सिर साहब ने पूरा डिटेल में बताया, 2023 ये मसला जो है ना मस्जिद अनवर फिरदौस कॉलोनी चुना भट्टी का है। ये मस्जिद तकरीबन 22 साल से जो है ना महल्ले वाले ये तमाम लोग मिलके जो है ना वो मस्जिद एक प्लाट थी, जो प्लाट जो है ना जो डोनेट करे हैं वो भी आज भी बाहयात हैं। उनका जो पहले स्टैंड था आज भी उनका वही स्टैंड है कि हम हमारी प्रॉपर्टी जो मस्जिद और मदरसे के लिए दिए थे, हम मुदस्सिर साहब को उसका केयरटेकर बने थे, आज भी हम इन्हीं को बनाते हैं। हम किसी ट्रस्ट को नहीं दिए, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिए। उन्होंने जब ये मसला हुआ, जब इनके पास जैसा इन्होंने बताया, इनको डरा के जो है ना पेपर निकाल लिए, मस्जिद के डॉक्यूमेंट निकाल लिए, निकाल लेके जो है ना इनके ऊपर डरा के एक सिग्नेचर ले लिए थे इनके पास से, उसके ऊपर अलान फलान जो है ना जो भी लिखना है लिख के वफ ऑफिसरों को जो है ना ला के उन्होंने दिए थे वो पेपर। जब फिर उनके पास जाके वो जो जो प्रॉपर्टी डोनेट करे थे वो साहब अभी भी बाहर आते हैं, उनसे जाके उन्होंने सुना है ऐसा ऐसा हुआ बोल के, उन्होंने फिर 500 के बॉन्ड पे री नोटरी करके दे दिए कि मैं किसी को नहीं दे रहा, मेरी प्रॉपर्टी जो है ना जो मैं जो मस्जिद और मदरसे के लिए दिया हूँ उसके जिम्मेदार इस्माइल साहब ही रहेंगे, मुदस्सिर साहब ही रहेंगे, ये उनका कहना है। और जो प्रॉपर्टी के जो पेपर जो लिए हैं जो इन्होंने बता रहे हैं खयाम पंजा साहब जो जो भी हैं, उसकी शिकायत इन्होंने बार बार आके जो है ना यहाँ ऑफिसर को जो है ना एक साल से दिए हैं, हजरत अली के हाथ पे पुलिस में भी दिए हैं, इसके बावजूद भी जो है ना इनको सिर्फ जो है ना कभी भी जब भी आ रहे हैं तो बात से जो है ना इनको सिर्फ थपका जा रहा है कि हम बात कर रहे हैं हम लेंगे। हमारा डिमांड ये है हमारे महल्ले की मस्जिद, ये जो तमाम लोग हैं 22 साल से जो है ना मस्जिद को चंदा करके मस्जिद तामीर कर रहे हैं, मस्जिद चला रहे हैं, हमारे महल्ले की मस्जिद में बाहर वालों के आने की इजाज़त नहीं है। ये लोग कौन होते हैं बाहर वाले आके हमारे मस्जिद की प्रॉपर्टी के पेपर लेके हमारे मस्जिद में जो है ना मुदाखलत करके हमारी मस्जिद में हम कमेटी बनाएंगे? मस्जिद की कमेटी मस्जिद के महल्ले वाले लोग बनाएंगे, हर मस्जिद का वही होता है ना, जिस एरिया की मस्जिद है उस एरिया के लोग ही कमेटी बनाते हैं, वही लोग चलाते हैं, बाहर वालों की हमें जरूरत नहीं है। हम ये बात को लेके पिछले 2 महीने से कंटिन्यू जो है ना औकाफ के जो है ना चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसका हमारे सलूशन नहीं दिया जा रहा है। अभी तक मस्जिद के पेपर भी जो है ना जमा नहीं किए, लास्ट पहले मीटिंग हुई थी, हबीब सरवन साहब जो है ना मीटिंग लिए थे, उनको भी बुलाए थे, हमारी पहली डिमांड यही थी कि मस्जिद के डॉक्यूमेंट जो ये लिए हैं ये लाके पहुंचा देना। हमारे सामने बात हुई थी, हबीब सरवन साहब बोले थे कि 2 दिन में आप लाके जमा करना, आज तक वो जमा नहीं हुए डॉक्यूमेंट। अब जब हजरत अली से हम बात कर रहे हैं तो वो बोलेंगे ये बात हुई थी जिन्हें, अभी भी हमारे पास वीडियो है, वो जो ऊपर ऑफिस में मीटिंग हुई थी वो वीडियो हुए है, चेयरमैन साहब खुद बोले थे कि डॉक्यूमेंट किसी का हक नहीं है, डॉक्यूमेंट पहली फुर्सत आप लाके जमा करिए, आपके जो भी फॉर्म बी था वो हम बेंगलुरु को भेजेंगे, वो अप्रूवल हो गया के बाद कमेटी आपकी बनेगी। लेकिन सिर्फ बातों में हो रहा, ऑफिशियल आप आज तक काम इसमें कुछ भी हुआ नहीं, इसमें जो है ना पूरे अपने अपने लिंक लगा के पॉलिटिकल लिंक लगा के जो है ना मेन जो मसला है मस्जिद 2 प्लाटों में है, इनकी जो नजर है बाजू के 2 प्लाटों पे है, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है फिलहाल, वो मस्जिद के मदरसे के लिए महल्ले वाले जो है ना उसको रखे हुए हैं कि इसको मदरसा बनाना बोल के। अब जब से ये लोग एक साल से जो है ना जब से ये डॉक्यूमेंट लेके आके जो है ना मस्जिद में हरदमी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, मस्जिद में बच्चों की तालीम रुक गई, अरब भी जो है ना मस्जिदों में जो है ना अरब भी तालीम होती थी बच्चों की, एक साल से वो रुक गई, इनको इमामत नहीं किया जा रहा करने दिया जा रहा है, मस्जिद को लॉक डाल के जा रहे हैं, तो मस्जिद में गुंडागर्दी चल रही है। इसकी बार बार शिकायत देने के बावजूद भी जो है ना इसमें एक्शन नहीं हो रहा है। अब लिहाजा हम ये आखिरी बार आए हैं और उनको भी हम बोले हैं कि हम आखिरी बार आ रहे हैं, अगर इसके बाद 8 दिन के अंदर हमारे को इसका जो है ना नतीजा नहीं मिलता, हमारी कमेटी का अप्रूवल आगे हमारी महल की कमेटी अगर नहीं बनती, तो हम जैसा मुदस्सिर साहब बता रहे हैं कि खयाम बंजा फलां फलां जो भी हैं उनको भी पार्टी बना के और वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बना के हम जो है ना इसकी लड़ाई जो है ना कानूनी तौर पर लड़ेंगे।